मध्य प्रदेश में नाबालिग बच्चों के साथ लगातार हो रही यौन उत्पीड़न की घटनाओं को लेकर कांग्रेस जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा की। जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है। इसे लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने, जिसमें विधायक और नेता प्रतिपक्ष शामिल थे, उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की मांग की। साथ ही कांग्रेस ने एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम भी बनाया है। कार्यक्रम है जिसमें कल से स्पीक अप, मैं मध्य प्रदेश की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं सभी पत्रकार बंधुओं से। ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, ये कांग्रेस पार्टी का, चूंकि हम एक जुम्मेवार राजनीतिक दल है, जरूर हमने अपनी यह बात कही है, पर इसको सभी समाज के सभी राजनीतिक विचार के लोगों से मेरा प्रार्थना है कि ये बेटी बचाने का अभियान है, इसलिए स्पीकअप में सब भाग लें। हम सारी पंचायत और वार्डों में हमने ऐसी व्यूह रचना बनी है कि कल से दो दिन तक स्पीकअप, अपने ही मोबाइल पे अपना वीडियो बनाना और बेटी बचाओ अभियान के लिए जन जागरण करना है। हालात मध्य प्रदेश के बताना है, जो परिस्थिति आपके स्थानीय स्तर पर किसी भी स्थान पे है उसका विवरण का भी इसमें अगर आप वर्णन करना चाहें तो आपकी इच्छा के अनुसार है। तो स्पीकअप मोबाइल पे जन जागरण, सोशल मीडिया और आईटी के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने ये प्रार्थना की है और इसका कल से काम चालू होगा। दूसरा कार्यक्रम है जैसा बताया कि मशाल जुलूस, ये 5 अक्टूबर को युवा कांग्रेस के माध्यम से सारे जिलों में एक समय एक साथ होगा, जो सारे जिलों में बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत जन जागरण का एक स्वरूप बनेगा, जिसमें बेटी और बेटे दोनों युवाओं को सम्मिलित होने की अपेक्षा है। फिर महिला कांग्रेस कैंडल मार्च 7 तारीख के दिन सभी जिलों में एक साथ करेगी और मैं मानता हूं कि ये एक जन जागरण का हमारी महिला शक्ति को के सहयोग से होगा। इसमें सभी विचार, सभी दल, सभी समाज के परिवार जन जुड़े, इसकी हम अपेक्षा करेंगे। ब्लॉक स्तर पे ये सब महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, हर ब्लॉक में एक साथ उपवास और धरना और बेटियों का पाप पूजन एक साथ होगा। ये 6 अक्टूबर का दिन निर्धारित किया है इसमें, जिसमें नव दुर्गा के माता जी के दिन है, जिसमें छठमी का दिन उस दिन आएगा। फिर बेटी बचाओ ज्ञापन, ये सारे विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को भी, जनप्रतिनिधियों को कांग्रेस जन जा जाकर, सिर्फ 50 से ऊपर संख्या नहीं होगी, ये हिदायत दी गई है कि हमें किसी भी विधायक, बीजेपी के विधायक के यहाँ जाना है या बीजेपी पार्टी के सांसद के यहाँ जाना है तो कोई किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हम उनके पास जाएं और उनको एक ज्ञापन सौंपें कि आपको बेटी बचाने के अभियान में सहयोग करना है और बेटी बचाने के अभियान पर सरकार और प्रशासन पर प्रेशर बनाना है। तो कांग्रेस के विधायकों को भी ज्ञापन देना और बीजेपी के विधायकों को भी ज्ञापन देना, जो जनप्रतिनिधि है उसको कांग्रेस जन जा जाके ज्ञापन देंगे। हर जनप्रतिनिधि को, जनप्रतिनिधियों का एक परिवार होता है जो दल से बड़ा होता है और जो राजनीतिक दलगत भावना नहीं है इस बेटी बचाने के अभियान में, तो हर जनप्रतिनिधि इस प्रदेश का इसमें सकारात्मक सहयोग करें। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, अन्य दल, किसी भी जनप्रतिनिधि को इसमें हमने सम्मिलित किया है कि सबको कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्ञापन देंगे और 50 से ज़्यादा जनसंख्या कहीं भी नहीं होगी और समय लेके जाएंगे, सब जनप्रतिनिधियों से मोबाइल पे बात करके समय लेके ज्ञापन देंगे। आखिरी जो ये कार्यक्रम है 14 अक्टूबर का, हम भी मुख्यमंत्री के पास 14 अक्टूबर को जाएंगे और उनको अपना ज्ञापन देंगे कि मुख्यमंत्री जी, केवल प्रतिनिधिमंडल 25 लोगों के अगर वो समय देंगे तो उनके पास जाएंगे, वो समय नहीं देंगे तो जो भी सीएस के पास जाए। तो ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को, सारे सांसदों को, सारी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को, जो विधायक सांसद और इससे बड़े ओहदे पे हैं, उनको दिया जाएगा। इसमें महिला कांग्रेस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। फिर 16 अक्टूबर को प्रदेश में हम उपवास रखेंगे पूरे दिन का और ये बेटियों के जन जागरण, बेटी बचाओ अभियान के जन जागरण के रूप में इस कार्यक्रम को प्रदेश स्तर पे किया जाएगा और फिर भी सुधार नहीं हुआ तो फिर प्रदेश बंद करवाया जाएगा एक दिन के लिए। पूरे प्रदेश में प्रदेश की जनता से ये अपेक्षा है कि बेटियों पर फोकस हो और इस अपराध को क्षमा योग्य नहीं है, सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी तो है ही है पर समाज की जिम्मेवारी भी है, इस एहसास को हम सब जिए और हम ये तारीख डिसाइड करके
पूरे मध्य प्रदेश को हम बंद करवाएंगे। ये चूंकि मैंने जैसा कहा कि हम एक राजनीतिक जिम्मेवार दल है, सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ही हमारी जिम्मेवारी पूरी नहीं होती है। हमारी जिम्मेवारी समाज में सकारात्मकता से अपना योगदान दे, इससे भी पूरी होती है। और कांग्रेस पार्टी इस आयोजन को करेंगे। आप सबसे मेरी अपेक्षा है, सारे जर्नलिस्ट, सारे परिवार के मीडिया हाउसेस से, कि इसमें सकारात्मक तरीके से इस अभियान में आप सब मदद करें। धन्यवाद। मैंने बार बार क्रिटिसिज्म किया सरकार का, कई बार चिट्ठियां लिखी, ट्विटर के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, जगह जगह आंदोलन के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश की, कई बार पत्र के माध्यम से सुझाव भी दिए मुख्यमंत्री जी को, पर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। और जैसी परिस्थिति थी, मैंने कहा 3 साल पहले 19,700 केस रजिस्टर्ड हुए थे, इस बार 9 महीने में 22,000 केस रजिस्टर्ड हो गए, 22,000 केस रजिस्टर्ड हो गए महिलाओं के साथ बलात्कार और दुष्कर्म के। और ये पिछले साल 2022 की जो NCRB के आंकड़े हैं उसमें 19,000 से सीधा 38,000 3 साल में ये आंकड़ा पहुंच गया। ये कोई आरोप की बात नहीं है। मैं, हमारे विधायक आज मिले थे CM से, नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में। हमने चिंता जाहिर की कि मुख्यमंत्री जी, सरकार का दायित्व है इसको कंट्रोल करें, पर विपक्ष का भी एक अपना दायित्व है कि हम सकारात्मक भूमिका निभाएं, इसमें कोई राजनीति नहीं करें। तो हम जाकर अपनी बात कह के आए हैं, मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कह के आए हैं कि ये सामाजिक जो गिरावट आ रही है बेटियों के मामले में, ये राजनीतिक एक घटनाक्रम हो सकता है, प्रशासनिक भी इसकी जिम्मेवारी हो सकती है, पर यह सामाजिक और राजनीतिक दलों की भी एक जिम्मेवारी होती है। हम इसमें सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा हमने कंट्रोल कर रहे हैं, ये जैसे उनकी भावना है, अब कंट्रोल कितना होगा ईश्वर जाने। पर अब आप देखो कि बेटियों के अपराध, जैसा मैंने कहा कि 18 वर्ष में भाजपा सरकार में 18 साल में 4,10,000 रजिस्टर्ड अत्याचार अनाचार के केस हो गए, यानी 17 मिनट में एक बेटी के साथ, हर 17 मिनट में एक बेटी। कितनी भयावह स्थिति है कि NCRB के आंकड़े 2004 भाजपा की सरकार में लगातार जो आंकड़े हर साल बढ़ते रहे, हर साल, मतलब घटने का नाम नहीं लिया। कारण क्या था? न पुलिस कर्मचारी पूरे हैं, न महिला कर्मचारी पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर हवलदार से लेकर TI तक होने चाहिए, वो 50% भी नहीं। जो स्ट्रक्चर है पुलिस विभाग का, वो जो गृह मंत्री जिनके पास है, वो बातें बहुत करते हैं, भाषण बहुत देते हैं, पर पुलिस विभाग को जो इक्विपमेंट मिलना चाहिए इन तरह के अपराधों को रोकने के, उसमें हम देश में सबसे फिसड्डी है, बिहार से भी ज्यादा, मतलब जो सबसे नीचे के राज्यों में गिनती आती है वो मध्य प्रदेश की। तो एक तरफ मुंह से अपराध तो नहीं रुकेंगे, भाषण से अपराध तो नहीं रुकेंगे, आपको उसके लिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसमें अपराध रुके। हम भी आरोप लगा दें सरकार पे, उससे भी अपराध नहीं रुकेंगे। इस सरकार को जागना पड़ेगा, संसाधन और उसके लिए बजट का प्रोविजन करना पड़ेगा, जो हमारी फोर्स है पुलिस फोर्स, उसको उस तरीके से लेस करना पड़ेगा, समाज में पुलिस के प्रति रिस्पेक्ट बनानी पड़ेगी। पुलिस से डर क्यों समाप्त होगी? इसलिए कि नशा बिकता है और पुलिस की हिस्सेदारी होती है उसमें, थाने बंधे हुए होते हैं उसमें। जो बेरोजगार बच्चा है, नशा करता है और दिन भर सोशल मीडिया पे पोर्न फिल्म देखता है और फिर ये अपराध करता है, आखिर जितनी भी स्टडी आई है, रिसर्च आई है, वो यही कहती है। तो दिन भर बेटा बेरोजगार, मतलब दोषी है बीजेपी की सरकार, फिर दिन भर 24 घंटे में से 12, 13, 14, 15, 15 घंटे मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे रील्स देख रहा है और फिर इस विकृति को आत्मसाफ करके रिएक्शन दे रहा है। मतलब एक कारण है ये कि ये सरकार ने इक्विपमेंट दिए इसलिए दोषी, न पुलिस फोर्स को कंप्लीशन दिया, पूरा कंप्लीट किया इसलिए दोषी, 20 साल से यही है। फिर इस सरकार ने पुलिस को इस तरीके से ट्रेंड नहीं किया इसलिए दोषी, फिर नशा इतना ज्यादा नशीला प्रदेश बना दिया उसके लिए ये दोषी, और फिर उसके बाद बेरोजगारी इतनी है कि रोज रोजगार के नहीं है तो मोबाइल से काम चल रहा है और उससे ये विकृति आ रही है, फिर बीजेपी की सरकार दोषी। आखिर किस तरह का प्रदेश बन रहा है? जैसा मैंने कहा कि